तो मेन इवेंट के अंदर ब्रॉक लेसनर की रिटर्न तो नहीं, लेकिन फिर भी WWE चैंपियनशिप मैच ने मचा कर रख दी हेल इन अ सेल में तबाही। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के हेल इन अ सेल 2021 के शो के बारे में। वैसे जो पूरा शो था वहां पर ज्यादा कुछ बड़े मैचेस अनाउंस नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आज के शो के मेन इवेंट की, तो भाई 5 स्टार में से अगर ऊपर कोई रेटिंग है तो आप वो दे दो इस WWE चैंपियनशिप मैच को। शुरुआत से लेके आखिरी तक क्या कमाल का मैच था, क्या कुछ पूरे शो के ऊपर हुआ। WWE चैंपियनशिप मैच कौन जीता, ये थे वो मैकइंटायर विनर या फिर लैशली ने एक बार फिर की टाइटल रिटेन। सारी जो चीज हुई आज हेल इन अ सेल पे पर व्यू के अंदर उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, क्या कोई टाइटल चेंज हुआ या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, तो शो की शुरुआत है किक ऑफ शो के साथ होती है, जहां पर हमारी वुमेंस की टैग टीम चैंपियन जो नटालिया है वो मैंडी रोज का फेस करते हैं सिंगल्स मैच में। और मैच के एंडिंग के अंदर एक अच्छे से मैच के बाद नटालिया सबमिट करवाते हुए नजर आती है मैंडी रोज से और सबमिशन विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं मेन शो की तरफ, और मेन शो के अंदर जो पहला मैच होता है वो था स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप का हेल इन अ सेल मैच, जहां पर बेली हमें बियांका बेलेयर का फेस करते हुए नजर आते हैं। वैसे आई थिंक शो की स्टार्टिंग अच्छी थी, इन दोनों का मैच मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आज के बीच में बियांका बेलेयर की चोटी का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, कभी बेली उनकी चोटी रस्सियों के साथ बांधती है, कभी केंडो स्टिक के साथ। मैच के अंदर आई थिंक भरपूर एंटरटेनमेंट और एक्शन था, और मैच की एंडिंग के अंदर हमें बियांका बेलेयर जीते हुए नजर आती है। आखिरी में होता क्या, वो जो अपना KOD फिनिशर है वो एक लैडर के ऊपर देती है बेली को, और एक कमाल के मैच के बाद बियांका बेलेयर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। फिर शो के ऊपर सिजारो वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच भी मैच होता है, इस मैच के अंदर भी हमें अच्छा एक्शन दिखाई देता है, सिजारो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और बार बार सिजारो स्विंग देने का ट्राई करते हैं। मैच की एंडिंग के पास जब हम लोग जाते हैं सिजारो फाइनली लगाते हैं सिजारो स्विंग सेथ रॉलिंस को, वो दो बार शार्प शूटर भी लगाते हैं लेकिन स्टिल सेथ रॉलिंस उससे बच निकलते हैं। आखिरी में अचानक से सेथ रॉलिंस एक रोल अप लगाते हैं और एक सरप्राइज विक्ट्री से हमें सेथ रॉलिंस जीते हुए नजर आते हैं। सिजारो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा रिंग साइड पर बैठकर खुश होते हैं इस चीज को लेके। इसके बाद शो के ऊपर होता है अलेक्सा ब्लिस वर्सेस शेना बेजलर के बीच मैच। शेना बेजलर आती है नाया जैक्स और रेजिनल्ड के साथ में, अलेक्सा ब्लिस अकेले आती हैं। ये मैच शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग में रेजिनल जानबूझकर डिस्ट्रैक्शन देते हैं और शेना बेजलर अलेक्सा ब्लिस की धुलाई करना शुरू कर देती है। मैच मेरे हिसाब से अगर मैं रेसलिंग की बात करूं तो थोड़ा डिसेंट सी रेसलिंग थी, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इस मैच के अंदर। आखिरी में होता है कि अलेक्सा ब्लिस अचानक से हमें नाया जैक्स को हिप्नोटाइज करती हुई नजर आती है और वो चमाट लेती है और रेजिनल के चेहरे पर मार देती है। और उसके बाद जो नाया जैक्स है उनको कंट्रोल में पूरा दिखाने के लिए हमें अलेक्सा ब्लिस चिल्लाते हुए नजर आती है और नाया जैक्स भी सेम वैसी चिल्लाती हैं। फिर अचानक से पीछे से शेना बेजलर आती हैं, वो हमला शुरू करती है अलेक्सा ब्लिस के ऊपर लेकिन कोई फायदा होता नहीं है। आखिर में ट्विस्टेड ब्लिस पड़ता है और अलेक्सा ब्लिस हमें शेना बेजलर को हराती हुई नजर आती है। सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच भी मैच होता है, इस मैच में भी हमें अच्छा रेसलिंग एक्शन दिखाई दिया। सैमी ज़ेन के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है और पता नहीं होता है क्या, मैच के बीच में जैसे लगता है कि केविन ओवेंस के हाथ में सही में इंजरी हो गई है, वो पूरे मैच में उसी हाथ को पकड़कर घूमते हैं। आखिरी में हेलुवा किक पड़ती है और सैमी ज़ेन हमें जीतते हुए नजर आते हैं। फिर वो डांस करना इधर उधर शुरू कर देते हैं। रॉ वुमेन चैंपियनशिप का भी शो के ऊपर मैच होता है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। ये मैच के अंदर मेरे हिसाब से रिया रिप्ली की एक अच्छी परफॉर्मेंस आती है, शार्लेट फ्लेयर भी अपना पूरा ट्राई करती है चैंपियनशिप जीतने के लिए। मैच की एंडिंग मेरे लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि होता क्या है, हम लोग रिंग साइड के ऊपर जाते हैं, रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर लड़ रही होती हैं, अचानक से जो अनाउंसर्स टेबल्स के ऊपर जो कार्डबोर्ड टाइप पड़ा होता है वो उठा के रिया रिप्ली शार्लेट फ्लेयर के फेस पे मारती है। एंड गेस व्हाट, यहां पर शार्लेट फ्लेयर और ये जो रिया रिप्ली का मैच है डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड हो जाता है और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर डिस्क्वालिफाई से जीत तो जाती हैं, लेकिन रिया रिप्ली काफी गुस्से में होते हैं और फिर भी वो हमें शार्लेट के ऊपर हमला करती हुई नजर आती हैं। फिर अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज के शो के मेन हाईलाइट की तरफ। वैसे शो पूरा फीका फीका सा था, लेकिन आज के शो की जो मेन इवेंट था आई थिंक उसने शो के अंदर थोड़ी जान डाल दी, क्योंकि ये था हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर WWE चैंपियनशिप मैच बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में। रिंग साइड के ऊपर हमें MVP दिखाई देते हैं, एक्चुअल में हेल इन अ सेल जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर खड़े होते हैं। इन दोनों का मैच जैसे शुरू होता है बॉबी लैशली रेमी सीटो बनने का ट्राई करते हैं, वो जाते हैं रिंग साइड के ऊपर और स्टील चेयर वगैरह निकालने का ट्राई करते हैं, लेकिन भाई ड्रू मैकइंटायर रिंग साइड पर ही आके उनकी धुलाई शुरू करते हैं। मैच के करीबन स्टार्टिंग के 10 मिनट तक ऐसा लगा कि आज भाई बॉबी लैशली जिंदा नहीं बचेंगे, ड्रू मैकइंटायर इतनी बुरी हालत करते हैं बॉबी लैशली की, और जो बॉबी लैशली की भाई आप देखोगे हाथ के पास से खून भी निकलने लग जाता है। फिर उसके बाद किसी तरीके से बॉबी लैशली कमबैक करते हैं और बॉबी लैशली अपनी
धुलाई शुरू करते हैं ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के बाहर रहने के बावजूद भी हमें एमवीपी हेल्प करते हुए नजर आते हैं बॉबी लैशली की। भाई जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं उनके अंदर से वो अपनी छड़ी डालते हैं, बॉबी लैशली वो उठाते और सीधा मारते ड्रू मैकइंटायर के चेहरे के ऊपर। फिर वो केंडो स्टिक लेकर आते और एक कोने में लगा देते ड्रू मैकइंटायर को। केंडो स्टिक का एमवीपी करते क्या है, वो अपनी तरफ से डालते हैं और दूसरी तरफ से भाई किसी तरीके से लॉक करके रख देते ड्रू मैकइंटायर को। फिर भाई मैकइंटायर की होती है तगड़ी सी बुरी हालत, बार बार हमला होता है उनके उसके ऊपर। फिर हम लोग देखते हैं रिंग के बीच में होता क्या है, स्टील चेयर्स काफी सारी आ जाती है, ड्रू मैकइंटायर स्टील चेयर का यूज करने चलते हैं, बॉबी लैशली उसका रिवर्स करते हैं और वो ड्रू मैकइंटायर को उल्टा धक्का देते हैं और सीधा जाते हैं ड्रू मैकइंटायर और रेफरी से जाकर लड़ते हैं। रेफरी यहां से मैच में नॉकआउट होते हैं, ड्रू मैकइंटायर फिर एक क्लेमोर लगाने चलते हैं और उसके बाद फाइनली एक फ्यूचर शॉक डीडीटी पड़ता है और बॉबी लैशली एक तरह का नॉकआउट हो जाते हैं। भाई सारे काउंट हो जाते हैं यहां पर अगर रेफरी होते, लेकिन फिर ड्रू मैकइंटायर कहते हैं जो हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के बाहर रेफरी के, भाई तू अंदर आ, वहां पर किसी और रेफरी को भेज दे, वो किसी तरह खोल कर अंदर आते हैं। और जैसे क्लेमोर किक पड़ती है दो काउंट होता है और एमवीपी भी साथ में अंदर आ जाते हैं। फिर जो पीछे वाला रेफरी है भाई अचानक से हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर को वो लॉक कर देता है, एमवीपी को लगता है कि अब तो वो आराम से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो भी अंदर लॉक हो जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर उनकी तरफ घूमते वो रिंग साइड पर जाते हैं और फिर एमवीपी की धुलाई होती है मैच के अंदर, एमवीपी को भी क्लेमोर पड़ जाता है। अब हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर एमवीपी भी आ चुके हैं। फिर बॉबी लैशली क्या करते हैं, किसी तरीके से वापस आते हैं लेकिन ड्रू मैकइंटायर हर्ट लॉक से बच निकलते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर लगाने चलते हैं लेकिन एमवीपी पकड़ लेते हैं उनके पैर, अचानक से लैशली आते हैं, वो लगाते हैं रोल अप और 1-2-3 बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। आई थिंक सही में मैच इंस्टेंट क्लासिक मैच था शुरुआत से लेकर आखिरी तक। अब मैं एंडिंग से थोड़ा डिसअपॉइंट इसलिए हूँ क्योंकि ना लेजनर की यहाँ पर रिटर्न हुई और ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीयर या फिर कुछ और मूव देने के बाद यहाँ पर लैशली को जीतना चाहिए था, लेकिन चलो चतुराई से जीते, फिर भी एंडिंग मुझे अच्छी लगी। और उसके बाद तुरंत भाई बॉबी लैशली और जो एमवीपी हैं जाके एंट्रेंस टाइटोरियम के ऊपर लेट जाते हैं और वहाँ पर बैठकर हमें सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। ड्रू मैकइंटायर बीच में रिंग के रोने लग जाते हैं क्योंकि भाई ये उनकी आखिरी अपॉर्चुनिटी थी। अगर मैं बात करूं ओवरऑल शो की तो मेरे हिसाब से शो काफी ज्यादा फीका फीका सा मुझे लगा शुरुआत से लेकर आखिरी तक, इतना ज्यादा भरपूर एंटरटेनमेंट अंदर से आया नहीं। अगर मैं मेन इवेंट ना देखता आई थिंक इस शो को मैं WWE का इस ईयर का वर्स्ट शो कहता, लेकिन फिर भी मेन इवेंट ने मेरे हिसाब से पूरे शो को बचा लिया। इसलिए मैं आज के हेल इन अ सेल शो को अगर मेन इवेंट की अगर मैं बात करूं तो 5 स्टार में से 5 स्टार या फिर उससे भी ज्यादा रेटिंग, अगर मैं ओवरऑल शो की बात करूं तो आई थिंक मैं 4 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा क्योंकि बाकी ज्यादा कुछ स्टार पावर थी नहीं शो के ऊपर। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कैसा लगा आपको हेल इन अ सेल का शो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।